नमस्कार दोस्तों, स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल को और नए डिक्टेशन सबसे पहले लिखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रीय एकता परिषद सब राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करती है। यह केवल दो को छोड़कर संसद की समस्त राजनीतिक पार्टियों और दलों का प्रतिनिधित्व करती है और मुझे आशा है कि ये दो पार्टियां भी देश के समक्ष उपस्थित एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या को मिलजुल कर सुलझाने के महान प्रयास में हिस्सा लेंगी। इसमें मजदूर संघों, वाणिज्य और उद्योग शिक्षा शास्त्रियों और उन लोगों के प्रतिनिधि हैं जो राष्ट्रीय एकता के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। जब सन 1962 में पहली राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन हुआ था, तब कुछ निर्णय लिए गए थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी सीमाओं पर चीन के हमले के फलस्वरूप महान राष्ट्रीय एकता उत्पन्न होने के कारण हम लोग इसके प्रति कुछ उदासीन हो गए थे और उस समय परिषद को भंग कर दिया गया था। यह पुनर्गठित परिषद सार्थक तरीके से कार्य करेगी और एक अस्थाई संगठन बन जाएगी। आप सब लोगों ने यह ध्यान किया होगा कि इस सम्मेलन के बारे में कुछ लोगों ने कुछ बातें कही हैं और परिषद के पुनर्गठन के बारे में कुछ शंकाएं प्रकट की गई हैं, लेकिन देश के बड़े हिस्से ने इस कार्यवाही का स्वागत किया है, विशेषकर उन लोगों ने जो देश के भविष्य के विकास के बारे में गहराई से सोचते हैं। मैं आप सबको यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि यह बैठक बुलाने का हमारा दलगत उद्देश्य नहीं है। हमें आशा है कि हम पूरे विचार के दौरान ऊंचा स्तर कायम रखेंगे और हम अपने विचाराधीन विषयों पर नहीं हटेंगे अथवा केवल किसी तर्क में विजयी होने भर के लिए कोई बात नहीं कहेंगे। आज हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है वह सांप्रदायिकता का है। स्वतंत्रता के बाद और उस समय जब हम यह सोच रहे थे कि इस समस्या का प्रायः हल निकल आया है, देश के विभिन्न भागों में एक बार फिर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। दूसरा खतरा प्रांतीयता अथवा क्षेत्रीयता का है। मैं समझती हूँ कि सांप्रदायिकता से जो बात भड़कती है वे ही इसके लिए भी जिम्मेदार हैं। तथ्य यह है कि यह ऐसी ही भावनाओं का विस्तार मात्र है। राष्ट्रीय एकता को जो एक और खतरा है और जो संभवतः अन्य खतरों को जन्म देने वाले कारणों में से एक है, यह देश में आज भी मौजूद असमानता है। कानून के अंतर्गत और सिद्धांत रूप में पुराने भेदभावों को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जिस तेजी से पिछड़े हुए वर्गों और जातियों तथा अल्पसंख्यक लोगों तथा ऐसे ही अन्य वर्गों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, उतनी ही तेजी से इन वर्गों के लोगों के आगे बढ़ने के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। एक अन्य तथ्य जो हमें एकता के सूत्र में बांध सकता है अथवा अलगाव का कारण बन सकता है वह भाषा है। इस परिषद का
उद्देश्य देश की एकता बढ़ाना तथा एक ऐसा मंच प्रस्तुत करना है जो देश के विभिन्न भागों में एकता बढ़ाने के लिए की गई कार्यवाहियों का मार्गदर्शन करेगा और उनसे संपर्क रखेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो इस डिक्टेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और आपको जिस प्रकार के भी डिक्टेशन चाहिए उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लौटेंगे जल्द ही एक नए और शानदार डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।